जबलपुर प्रवास के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम ज्यादा दाम पर बिजली खरीदेंगे, खर्च अधिक होंगे, तो फिर स्वाभाविक है कि बिजली के दाम बढ़े, लेकिन प्रयास होगा कि दाम न बढ़े। वहीं दमोह में होने वाले उपचुनाव के दौरान एक बार फिर भाजपा के खरीद फरोख्त को लेकर जिस तरह से एक साल पहले माहौल बना था, उसको लेकर भी उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मेरा आपसे स्पष्ट कहना कि ये हमारी जो डिस्कॉम कंपनी या जो बिजली हमको जहां से जिस दर पे मिल रही है, तो निश्चित रूप से अगर खर्चे अधिक होंगे बिजली की लागत में, तो बिजली के दाम बढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि खरीद फरोख्त हो रहा है, बीजेपी खरीद रही है, कांग्रेस इस काम में क्यों नहीं कर रही है? क्या दिक्कत है कांग्रेस? कांग्रेस ने 60 साल देश राज किया, तो वो भी खरीद सकते हैं। देखिए, मेरा आपसे स्पष्ट कहना कि ये हमारी जो डिस्कॉम कंपनी है या जो बिजली हमको वाजिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर पर बात करेंगे। जबलपुर संवाददाता वाजिद, ऊर्जा मंत्री को लेकर बात की जाए, जबलपुर दौरे पर रहे, बिजली के दामों को लेकर तो उन्होंने बात कही है, कुछ ना कुछ संकेत देते नजर आए कि आगामी दिनों में शायद हो सकता है कि बिजली के दाम बढ़ जाएं, लेकिन इसके इतर अलग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सियासी रंग वाली खबर भी निकल कर सामने है। उसमें जिस तरह से ऊर्जा मंत्री का बयान सामने आया खरीद फरोख्त को लेकर, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही और इसी को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए प्रद्युम्न सिंह तोमर, क्या कहें? बताना चाहूंगा, क्योंकि आज प्रद्युम्न सिंह जो के जबलपुर का दौरा था, उनका जबलपुर आए, जो बिजली विभाग अचानक में वहाँ बिजली विभाग पहुंचे और कहीं ना कहीं चर्चा हुई कि जो बिजली दाम आने वाले समय में बढ़ सकेगा, मगर उन्होंने कर्मचारियों से भी ये निवेदन की, अपील करी कि जो 6 अप्रैल से कर्मचारियों ने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे और काम धाम बंद रखेंगे, तो उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपसे अपील करते हैं कि अभी आप कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है, क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं इसके? उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस इस पे राजनीति ना करे, कांग्रेस क्योंकि किसान थे इस समय, दिक्कत प्रद्युम्न सिंह ने ये बताई है कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के हर मुद्दे पे कांग्रेस विफल हो जाती है, कहीं ना कहीं हम इसका बातचीत के जरिए से इसका समाधान निकल जाएगा, मगर कांग्रेस इसमें राजनीति ना करे। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया वाजिद।